नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे घर में बहुत छोटे छोटे बच्चे यदि हैं और उनको बहुत ज़्यादा उल्टी दस्त की कभी शिकायत होती है तो फिर पेरेंट्स को, माँ बाप को ये समझ में नहीं आता कि उस समय क्या करना चाहिए। यदि हम उस समय अपने घर में कुछ होम्योपैथी दवाइयाँ रखे हुए हैं, जो कि मैं समय समय पर अपने वीडियोस में बताता रहता हूँ, 3-4 मेडिसिन के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, आज भी मैं एक मेडिसिन के बारे में बताने वाला हूँ, तो यदि हम वो अपने पास रखें तो हम बच्चों को वो दवाएँ देकर अपने छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको कोई अन्य जो एलोपैथी दवाएँ होती हैं या कुछ अन्य दवाएँ होती हैं उनको देने से बचा सकते हैं, क्योंकि होम्योपैथी दवाओं का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता और बच्चा भी पूरी तरह ठीक हो जाता है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ मैग कार्ब यानी कि मैग्नीशिया कार्ब के बारे में। होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम की बहुत अच्छी मेडिसिन है जो कि बच्चों के दस्त जैसी समस्याओं में, मासिक धर्म से संबंधित समस्याओं में और भी कमजोरी जैसी समस्याओं में ये बहुत अच्छा काम करती है, अपच के केस में बहुत अच्छा काम करती है। तो ये सारे सिम्टम्स आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह के सिम्टम किस पेशेंट में देखने को मिलते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि दस्त के केस में बच्चे को किस तरह के दस्त लगेंगे। आपने देखा होगा कि जब कोई बहुत छोटा बच्चा होता है, जो दूध पीता हुआ बच्चा होता है, माँ का दूध जो पीता है, उस बच्चे को कभी कभी हरे रंग के दस्त होने लगते हैं और हरे रंग के दस्तों के साथ साथ वो जो दस्त होता है उसमें सफ़ेद सफ़ेद सा थोड़ा सा झाग निकलता है, चर्बी जैसा कुछ निकलता है और इसके साथ में उसको दूध की भी उल्टी हो जाती है, अपच होती है, दूध उसको पचता नहीं है उस बच्चे को। आपने देखा होगा बहुत सारे छोटे बच्चे हैं, गोदी में लेके उनको इस तरह से कंधे पे थपकी देते रहते हैं और दूध पीने के बाद जैसे ही उनको थपकी दी जाती है तो वो मुंह से पूरा दूध निकाल देते हैं, गाढ़ा गाढ़ा कड़ जैसा दूध वो निकाल देते हैं। उस समय यदि किसी बच्चे को दस्त लग रहे हों और दस्त का कलर जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हरे कलर के दस्त हों और ये जो दस्त हों उसमें से बहुत ज़्यादा बदबू आए, खास जो सिम्टम है वो ये है कि दस्त तो ठीक है हरे रंग का होगा, ये पहला खास सिम्टम है, और दूसरा कि उसमें से बदबू बहुत ज़्यादा आती है, तब उस कंडीशन में यदि बच्चा दूध की उल्टी भी कर रहा है तब उस कंडीशन में हमें मैग कार्ब का नाम सबसे पहले याद आना चाहिए। मैग कार्ब हमें अपने घर में यदि कोई छोटा बच्चा है तो ज़रूर रखना चाहिए और उस समय मैग कार्ब का यूज़ हमें करना चाहिए। अब ये जो बच्चा होता है इसकी जो पॉटी होती है, इसका जो दस्त होता है, उसमें से इतनी सिवियर स्मेल आती है, इतनी गंदी बदबू आती है कि उसका पूरा शरीर जो है वो बदबू जैसा हो जाता है, मतलब पूरे शरीर से ही बदबू आने लगती है। आप उस बच्चे को कितना भी नहला लो, जब तक उसको दस्त लग रहे हैं तब तक वो गंदी स्मेल उसके पूरे शरीर से आती रहती है। ये मैग कार्ब का बहुत खास सिम्टम होता है। साथ में जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि चूंकि बच्चे को दस्त की शिकायत है तो वहां पे उसको पेट दर्द भी बहुत ज्यादा होगा और पेट दर्द जो होगा उसका ऐंठन वाला दर्द होगा, बच्चा बहुत सीवियर तरीके से रोता है, उसके रोने की स्टाइल से समझ में आता है कि उस बच्चे को जबरदस्त उसको कोलिक हो रहा है क्योंकि लूज मोशन उसको बहुत हो रहा है। उस कंडीशन में कोलोसिंथ भी बहुत अच्छे मेडिसिन है, लेकिन यदि बच्चे को हरे हरे रंग के दस्त हो रहे हैं और बच्चा जो है वो उसको झुक रहा है, अपने पेट को मोड़ने की, अपने पेट को अपने ही हाथ से दबाने की कोशिश कर रहा है, तब उस कंडीशन में मैग कार्ब उसके ऊपर अच्छा काम करेगी। ये बच्चे की गैस को भी रिलीज कराने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। कई बार बच्चों को गैस से संबंधित समस्याएं हो जाती हैं, गैस फंस जाती है, तब भी मैग कार्ब जो है उस पर बहुत अच्छा काम करती है। हालांकि ये जो हरे रंग के दस्तों के सिम्टम होते हैं ये और भी दवाइयों में है, जैसे अर्जेंटम नाइट्रिकम, उसमें भी हरे रंग का दस्त मिलता है, लेकिन वहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा स्मेल नहीं है दस्तों में बच्चे के, लेकिन यहाँ पे तो बहुत ही खट्टी बदबू आती है और उस बदबू को सहन करना माँ बाप के लिए पॉसिबल नहीं होता है। इस मेडिसिन का दूसरा उपयोग होता है दोस्तों अपच के केस में। जब भी किसी व्यक्ति को अपच की समस्या होती है, अपच मतलब जब उसका खाना नहीं पच रहा है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, गैस बहुत ज़्यादा बन रही है, खट्टी डकारें आ रही हैं, खट्टापन उसकी डकारों में भी है, तब वहाँ पे मैग कार्ब का यूज़ किया जाता है। बहुत अच्छे रिजल्ट देती है मैग कार्ब, और जहाँ जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस व्यक्ति को अपच की शिकायत है, हालांकि अपच के केसेस में होम्योपैथी हमेशा सिम्टम्स पे काम करती है, और भी बहुत सी दवाएं हैं, लाइकोपोडियम चाइना है, कार्बोवेज है, लेकिन मैग कार्ब के केस में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा खट्टी डकारें आने की शिकायत होती है और खट्टापन, जैसा कि मैंने अभी बताया कि जैसे उसके दस्तों में खट्टापन है, यहाँ व्यक्ति को अपच के कारण डकार में खट्टापन होगा, तो यहाँ पे मैग कार्ब बहुत अच्छा काम करती है। अब इसको लेने का तरीका क्या है, मैं जनरली प्रेफर करता हूँ 30 पोटेंसी में लेना, तो मैग कार्ब को 30 पोटेंसी में लेके आएं और इसकी 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को पेशेंट्स को दें। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। मैग कार्ब आपको 30 पोटेंसी में लेना है ये मैं बता चुका हूँ, किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे आपको ये दवा बड़ी आसानी से मिल जाएगी।
आगे के वीडियोस में मैं बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।